मध्य प्रदेश का एक शहर है रतलाम, जो कि अपनी रतलामी सेव, रतलामी साड़ियों, खरे सोने और इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहीं के किसानों ने खेती की आदर्श तकनीकें अपनाकर पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम कर दी है। हम चले रतलाम इस सब का जायजा लेने के लिए। हम निकल पड़े इंदौर से करीब 136 किलोमीटर दूर रतलाम। रास्ते में हमारे साथी बने लहलहाते खेत, इंडस्ट्रियल प्लांट और गुनगुनी ठंड। करीब 3 घंटे की मजेदार यात्रा के बाद हम पहुंचे रतलाम के करमदी गांव। हम बेताब थे करीब 2 किलो का अमरूद देखने के लिए, लेकिन किसान जयप्रकाश पाटीदार के खेतों में पौधों पर लगे इन अखबारों ने हमें चौंका दिया। अमरूद जो है ये अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इसको जो है ये उससे प्रोटेक्ट किया है, ये सनलाइट डायरेक्ट ना पड़े जिससे उसकी चमक। हाँ, वही मैं आपसे पूछने वाला था कि अखबारों जो है अखबारों का रहस्य क्या है। हाँ, ये चमक जो है डायरेक्ट चमक उसकी कम हो जाती है और इसलिए इन्होंने इससे प्रोटेक्ट किया। अभी अब देख रहे हैं पाले की भी संभावना है, पाले और उससे बचाव के लिए, सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश से बचाव के लिए इन्होंने लगा रखा है। कुछ इस ढंग से अमरूद को ढका गया है अखबार और प्लास्टिक में। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बार बताऊं, ये देखिए, ये एक खोल के दिखा रहा हूँ आपको राम बाबू की इजाजत से। ये देखिए, ये थाईलैंड की UNR वैरायटी के अमरूद हैं जो पकने पर 1 से 2 किलो के हो जाएंगे। भारी अमरूदों को संभाल रही है बांस की बल्लियां। हर पौधे से मिलेंगे 30 किलो अमरूद और यहां ऐसे 6000 पौधे हैं। अमरूद के पौधों के यहां कई साथी हैं, जैसे मटर जो जमीन के कतरे कतरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरहर की दाल के गुच्छे इतने भरे और भारी हैं कि डालियां जमीन चूम रही हैं। ये वैरायटी, ये रिचा है नाम इसका, ये सीओर से एक किसान ने डेवलप की है, तो वहाँ से ये हमारे जो पाटीदार जी हैं, कृषक जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, हमेशा इनोवेटिव जो है ना फार्मिंग करती हैं, तो इन्होंने ये इस वैरायटी को इस बार लगाया है। इसमें खासियत ये है कि ये गुच्छे में इसकी फ्लावरिंग होती है। अच्छा, और इसकी जो सीड और जो पॉड का साइज है, नंबर ऑफ सीड पर पॉड, ये जिसमें प्रति जो है ना फली में दानों की संख्या भी अधिक है और अच्छा। काफ़ी हेल्दी हैं और इसमें इस कारण से इसका उपज अच्छी आएगी इनकी। और इसमें इन्होंने रिज बेड पे लगाया है, मतलब मेड़ पे ऊपर जो मेड़ बना के रिज पे लगाया है, जिस वजह से इनको काफ़ी फायदे की उम्मीद है। बारिश के दिनों में जरूरत से ज्यादा पानी अरहर के एक पौधे से दूसरे पौधे की जड़ तक पहुंचकर फंगल इन्फेक्शन फैला सकता है। ज्यादा पानी अरहर की जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता, लिहाजा किसानों ने अपनाया ड्रिप इरिगेशन और रिज एंड फरो सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई से खेत में फैले पाइप के छिद्र पानी और खाद के घोल को एक एक पौधे तक पहुंचाते हैं, वो भी सही समय पर संतुलित मात्रा में। इससे पानी, किसानों का श्रम और वक्त तो बचता ही है, साथ ही कम किसान ये काम कर सकते हैं। मेड़ पर लगी होने के कारण अरहर बारिश के दिनों में अत्यधिक पानी के संपर्क में नहीं आती और अतिरिक्त पानी नालियों से बह जाता है। रीजन फरो लगाने से क्या होता है, फायदा होता है, एक तो डायरेक्ट जो पानी डायरेक्ट जड़ के कॉन्टेक्ट में नहीं आता, और ये अरहर और जितने भी हमारे पल्स क्रॉप है उसमें सूखने की समस्या, विल्ट की प्रॉब्लम बहुत आती है, तो एक तो उससे निजात मिलती है। आप देखेंगे यहाँ पे कई कोई पौधा आपको सूखा हुआ नहीं दिखाई देगा। खरीफ में इसको लगाया था और खरीफ में आपको मालूम है यहाँ 50 इंच पानी गिरा है, रतलाम जिले में 50 इंच पानी गिरा। अब इतना एक्सेस वाटर को प्रॉपर ड्रेनेज करने के लिए ये ड्रेनेज चैनल का भी काम करता है। यदि पानी बहुत ज़्यादा गिर गया तो प्रॉपर ड्रेनेज भी हो जाता है पानी, और कम गिरा तो यही सोख करके नीचे चला जाता है, तो ये इसके 2 फायदे। कृषि तकनीक की मिसाल देखिए, अरहर का पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन सोखने में अव्वल है, इसीलिए अरहर के पास अमरूद के पौधे लगाए गए हैं।
अरहर अपने साथ अमरूद को भी नाइट्रोजन मुहैया कराता है, साथ ही अगली फसल के लिए भी नाइट्रोजन मिट्टी में बनी रहेगी। ये आप जो देख रहे हैं ये लेगुमिनस क्रॉप है। लेगुमिनस क्रॉप की एक खासियत होती है कि जो वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। हमारे वातावरण में जो है 78% नाइट्रोजन होता है, उसको ये एब्जॉर्ब करके इसको उपलब्ध करा देता है, इस पौधे को भी उपलब्ध कराता है। इसका रेसिड्यूल जो होगा नाइट्रोजन वो आने वाले पौधे को भी मतलब मिलेगा, जो नेक्स्ट जो पौधा कोई क्रॉप लेंगे उसमें भी मिलेगा और उसको भी थोड़ा मिलेगा। खेती की इन तकनीकों से 20 के बजाय 45 क्विंटल अरहर मिलने की उम्मीद है और किसानों की चाहत भी बढ़ गई है। उससे मैं सेटिस्फाई था कि मैं इससे रिकॉर्ड बना सकता हूँ, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का रिकॉर्ड इस पर मैं बना सकता हूँ। फिर मैंने वैरायटी का चुनाव किया कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा यील्ड देती है और कौन सी वैरायटी ज़्यादा समय में मैच्योर होती है। यील्ड के लिए टाइमिंग महत्वपूर्ण है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल लूँगा तो इतना यील्ड नहीं आएगा। फिर ढूंढ के रिचा 2000 लेके आया और उसको लगाया। यहीं से कुछ दूर अजय पाटीदार के लहसुन के खेत को अलग ही अंदाज में कीटनाशक और पोषक तत्व दिए जा रहे हैं। ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में कंप्रेसर फिट किया गया है जो प्लास्टिक टैंक में रखे पानी, फंगीसाइड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के घोल को पाइप द्वारा खेतों में छिड़क देता है। एक दिन में 40 से 50 बीघा खेत में छिड़काव। ये आप तकनीक कहां से सीख के आए थे? ये सर घर पे बने जुगाड़ सिस्टम, इसमें ट्रैक्टर का वो जो पीटीओ शाफ्ट द्वारा मतलब घूमता है तो पीटीओ शाफ्ट चलती है पीछे की है, तो उससे मतलब ये कंप्रेसर बनता है। किसानों को खेती की नई तकनीकों से रूबरू करा रही है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा। हम लोगों का मेन काम है फील्ड में जाके मॉनिटरिंग करना, और आत्मा जो है जरूरी नहीं कि हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ही जैसे गेहूं चना या इसी की ट्रेनिंग दें, भले वो फिशेज की हो, वेटरनरी की हो या हॉर्टिकल्चर की हो, हम उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह अरेंज कर देते हैं। हम लोग के पास तो कोई लिमिटेशंस नहीं है कि हमको केवल खेती मतलब एग्रीकल्चर ही टेक्नोलॉजी ना, हम हॉर्टिकल्चर मतलब वेटनरी फिशेज की भी देते हैं। और आत्मा का जो मेन काम है वो एक्सटेंशन का है, मतलब कृषि विस्तार का। करंदी से हम निकले तीतरी गांव की ओर, जहां के किसान खेती की तकनीक में अपने ही तरीके से लोहा मनवा रहे हैं। भेरूलाल पाटीदार के खेत में मौजूद फेरोमोन ट्रैप्स नाम के इन यंत्रों पर गौर कीजिए जो इन्हें कृषि विभाग से मिले हैं। ये यंत्र नर पतंगे और मादा पतंगे को मिलने से रोकते हैं ताकि पतंगे की पैदाइश पर रोक लगाई जा सके। फेरोमोन ट्रैप में मादा पतंगे की गंध है जिससे आकर्षित होकर नर पतंगा प्लास्टिक बैग में फंस जाता है। एक हेक्टेयर जमीन के लिए ऐसे 10 यंत्र काफी हैं। सर्वेलेंस का भी इक्विपमेंट के रूप में काम करता है कि हमारे यहाँ इस कीड़े का प्रकोप आ गया है। एक तो सर्वेलेंस सूचक के साथ साथ में ये कंट्रोल का भी काम करता है। यदि हमें एक हेक्टर में यदि 10 यदि लगा देते हैं तो काफी कुछ, ये जो मेल है आप देखते हैं एक मेल जो है 4-5 हजार अंडे देते हैं। इसमें किसान कुछ लग नहीं रहा, लगना नहीं है। अच्छा। और ये बहुत सस्ता है। अच्छा, मतलब ये शासन ने इनको अनुदान में दिया है। फेरोमोन ट्रैप के कारण मिर्ची के पौधों को नुकसान नहीं पहुंचता। US 611 वैरायटी की ये मिर्ची कुछ ज्यादा ही बड़ी है। ड्रिप इरिगेशन ने मिर्ची की पैदावार 25 के बजाय 40 क्विंटल तक पहुंचाने की उम्मीद दे दी है। खेती तो बहुत साल से कर रहे हैं। हाँ। पर जैसे आत्मा वगैरह से हम जुड़े उसके बाद हमको काफी सीखने को मिला सर। क्या? समय समय पर जो भी डिसीजन हम बताते सर, जैसे कोई बीमारी आई तो हम जाके पूछ लेते थे। हाँ। नई जाती है प्रजाति जो भी कोई नई वैरायटी वगैरह का। मिर्ची मेड़ पर लगी है, इसीलिए ये भी बारिश के अत्यधिक पानी में सूखने और फंगल इन्फेक्शन से बचती है। मेड़ पर लगे पत्थर खेत की मिट्टी को बहने से रोकते हैं। ये जो फालतू जमीन जो रहती है आमतौर पे ये खाली पड़ी हुई रहती है, हम लोग इसको मेड़ों के ऊपर भी कुछ न कुछ सब्जियां लगा देते हैं। जैसे ये लौकी हुई, ये लौकी लगी हुई से सब्जी के काम में आ जाएगी। सांसों की ताजगी के लिए सौंफ का पौधा भी है। हमारे किसान जो है ये जमीन के हर पार्ट को उपयोग में लाने की कोशिश करते हैं, कोई भी जमीन फालतू न पड़ी रहे। गर्मा गर्म चाय के लिए अदरक है, यानी यहाँ इंटरक्रॉपिंग की सटीक मिसाल भी। हल्दी का पौधा छांव को पसंद करता है, इसीलिए इसे उगाया गया है अरहर की छांव में। ये हल्दी लगी हुई
और ये मेढ़, मेढ़ के ऊपर ये जो आप तुअर देख रहे हैं, ये मेढ़ का सदुपयोग कैसे करें? कि हल्दी जो होती है वो शेड लविंग प्लांट है, उसको छांव चाहिए। तो ये थीम जो है आप देख सकते हैं कि ये अरहर ऊपर लग गई, नीचे रूट लेवल पे जो है आपका ये हल्दी लग गया। ये जो आप मेढ़ देख रहे हैं, ये किसान ऐसे छोड़ देता है, लेकिन इसका उपयोग जो है अपनी एक फसल लेकर के दैनिक पूर्ति के लिए, हल्दी आ गई आवश्यकता की पूर्ति के लिए, और ये अरहर। अनुमान है कि आधुनिक तकनीक से 160 क्विंटल अरहर पैदा होगी, यानी 1.5 लाख रुपए के खर्च पर 6 लाख रुपए की अरहर। तो पर होते होते हमारे पेट में चूहे कूदने लगे। ऐसे में किसान भेरूलाल पाटीदार के घर पर हमने लुत्फ उठाया मक्के की रोटी, अफीम के पत्तों की सब्जी, लहसुन की चटनी, कड़ी और सेव का। लेकिन कम ही लोग जानते थे कि ये खाना बायोगैस पर बना है। तित्री गांव में बायोगैस टेक्निक का इस्तेमाल आम बात है। खाना खाने के बाद यूं तो मन था सुस्ताने का, लेकिन स्ट्रॉबेरी, बेर और अंगूर की दावत ने बुला लिया। आम बेरों से 4 गुना बड़े, मीठे और बिना बीजों वाले ये बेर किसी को भी हैरान कर सकते हैं। किसान लक्ष्मी नारायण को थाईलैंड वैरायटी के इन बेरों की जानकारी मिली इंटरनेट पर। आप नेट का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट? हाँ, बिल्कुल करते हैं। ग्राफ्टिंग के जरिए देसी बेर की जड़ों पर थाईलैंड वैरायटी के बेर की कलम को जोड़ा गया। ये नीचे तो देसी बेर रहता है, इसका एक साल का पौधा तैयार करके और ये ग्राफ्ट की हुई है। ये ग्राफ्टिंग वाले थाईलैंड की वैरायटी है। ये डेवलप हो जाएगी, जिसके बाद में प्लास्टिक की टेप हटा देंगे, फिर ये डेवलप हो जाएगी। जड़ देसी पौधे की रहेगी, ऊपर का पौधा थाईलैंड का रहेगा। 12 से 13 महीनों में 5 से 6 लाख रुपए के बेर तैयार हो जाएंगे, और बेर की कटाई छटाई के बाद बची लकड़ी से फर्नीचर भी बनाया जा सकता है। प्रूनिंग के दौरान जो लकड़ी आएगी, ये मजबूत लकड़ी, इसका उपयोग जो है जलाने के साथ साथ में कुछ इक्विपमेंट बनाने के काम में भी काम में आएगी। अंगूरों पर छिड़काव के लिए लक्ष्मी नारायण के पास जापानी तकनीक का ट्रैक्टर है। विदेश में इनका आना जाना आम बात है। इसराइल में मैं रहा हूँ, अरब कंट्री में रहा हूँ, वहाँ की पद्धति मैंने पूरी अडॉप्ट करके यहाँ पर लगाई है, तो पूरा ग्रेप्स मेरा उस टेक्निक का। थोड़े दिन बाद मध्य प्रदेश शासन मुझे यूरोप भेज रही है बागवानी के लिए। मुख्यमंत्री किसान विदेश यात्रा ने बागवानी कर रहे किसानों को इसराइल पहुँचाया है, जबकि गेहूँ किसानों को मैक्सिको, चना और टमाटर किसान अफ्रीका की ट्रिप लगा रहे हैं। जमीन के पूरे इस्तेमाल के लिए यहाँ बेर के पौधों के बीच टमाटर भी है। ये फर्स्ट ईयर साल है ग्रेप्स का, इसका बेर का, तो अपन क्यों ना मतलब 2 क्रॉप ले ले इसमें। सेकंड ईयर में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड ईयर में सिर्फ अपने ये जितनी भी जगह है खुली है, ये भी अपने को दिखेगी नहीं, पूरी जगह भर जाएगी। बहरहाल बेर के खेत में मुंह मीठा करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश में रतलाम ही ऐसा जिला है जहां 15 सालों से स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। लक्ष्मी नारायण ने इस बार अमेरिका के बजाय स्पेन से स्ट्रॉबेरी की वैरायटी मंगाई है। देख सकते हैं इसकी साइज, जो दूसरी वैरायटी उससे दुगनी लंबी, मोटी और बड़ी साइज आप देख सकते हैं। तो ये वैरायटी अधिक उत्पादन देने वाली और ज्यादा मीठी, स्वाद भी अच्छा है इसका। काश इनकी पैकेजिंग ना होती तो हम इनका स्वाद लेते ही रहते। स्ट्रॉबेरी के साथ फूल भी उगाए गए हैं, लेकिन कुछ दूर पर है ऑस्ट्रेलियन वैरायटी वाले अंगूर के खेत। अंगूरों को भी खाना पानी और सेहत के सप्लीमेंट ड्रिप इरिगेशन से मिल रहे हैं, लिहाजा ये भी हमें बेहतर स्वाद देना चाहते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे रतलाम जैसे शहर में चल रही है प्रदेश की एकमात्र वाइनरी, यानी कि वाइन बनाने का कारखाना। नासिक के अंगूर और वाइन फैक्ट्रियों की चकाचौंध से उन्मत्त कई लोगों को शायद ये पता न हो कि रतलाम के ही तित्री गांव में मध्य प्रदेश की एकमात्र वाइनरी है। हम पहुंचे इस वाइनरी यानी वाइन बनाने की फैक्ट्री में। अंगूर की खेती के लिए रतलाम की जलवायु एकदम उपयुक्त है, लिहाजा 1980 से ही अंगूर की खेती यहाँ हो रही है, लेकिन रेड वाइन बनाने के लिए मंगाए गए हैं फ्रेंच वैरायटी के काले शिराज अंगूर। जो फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो अपने आत्मा परियोजना में मिलती है, उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने ये यहाँ की टेक्निक्स को एडॉप्ट करने के लिए ये एनालिसिस एक
एक बेसिक एनालिसिस हमने स्टार्ट करवाया, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट का एनालिसिस सबसे पहले करवाया कि भाई सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारे ग्रेप्स के जो या जिस सॉइल में हम लोग ग्रेप्स पैदा कर रहे हैं वहाँ की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कितनी है, या वो कौन से वैल्यूज कैरी करते हैं अपने साथ में। उसके बाद में उसके एनालिसिस के साथ में हमने फिर ये बैलेंस किया कि भाई इस पर्टिकुलर लैंड में सपोज अगर जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो उसी माइक्रोन्यूट्रिएंट को दिया जाए, अदर्स जो है नहीं दिया जाए, जिसकी वजह से किसान का वहाँ पे जो होता है कॉस्ट बचता है। बीज, पत्ती और मिट्टी के नियमित परीक्षण के अलावा यहाँ के किसानों ने अंगूर को खाद और पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन का तरीका अपनाया। खाद और पानी देने का वक्त होता है शाम को, जब वाष्पीकरण की दर 30 से 40 फीसदी कम हो। लेकिन समस्या ये थी कि गर्मी के मौसम में अंगूर के लिए पानी कैसे जुटाया जाए। बागवानी खेती करने के लिए पूरे 12 महीनों पानी की आवश्यकता होती है, और खास वो समय जिन समय में पानी की कमी होती है मार्च अप्रैल मई जून, उन 3-4 महीनों में पानी की अत्यधिक कमी होती है, इसलिए लोग बागवानी का ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते। तो हम लोगों के पास क्या होता है, जैसे हमारा जो बेल्ट है यहाँ पे जनवरी तक का पानी, जनवरी फरवरी तक का पानी हमारे पास होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में वाटर लेवल 400-500 फुट नीचे जाता है। किसानों ने कम उपजाऊ वाली जमीन पर 3 करोड़ लीटर पानी की क्षमता वाला तालाब खुदवाना शुरू किया, जिसमें बरसात में पानी इकट्ठा होगा और गर्मी तक काम आएगा। तो इसमें प्लास्टिक सीट बिछा करके और पानी को स्टोर रखेंगे, जो गर्मी में 3 महीने के लिए अपना पूरा रहेगा। प्लास्टिक का मेन उद्देश्य ये है कि जो पानी इसमें भरेंगे वो नीचे परकुलेट होके ना जाए, और उसके ऊपर फिर पानी जमा होगा ताकि वो पानी जो है रिस्क कर अंदर जमीन के अंदर ना जाए। सरकार की बलराम तालाब योजना के तहत इस तालाब के लिए इन किसानों को 80,000 रुपए का अनुदान भी मिला है। पानी के अतिरिक्त इंतजाम के लिए एक ओवरहेड स्टोरेज भी बनाया गया है। ये 3 लाख लीटर पानी का टैंक है, इसके अंदर गर्मी में पानी स्टॉक करके रखते हैं। जब बारिश के 10-15 दिन पहले पानी नहीं रहता है तो पहले से ही इसमें स्टॉक करके रखते हैं पानी। अंगूर किसानों ने एक फर्टिगेशन प्लांट भी तैयार किया है जो पानी और खाद का घोल तैयार करता है। इसमें खाद का घोल बना दिया जाता है, फिर जो भी सोल्यूबल फर्टिलाइजर होते हैं, फर्टिलाइजर की भी एक सोल्यूबल ग्रेड होती है जो पानी के अंदर घुल जाती है। तो अलग अलग तरह की खाद फसल की अलग अलग अवस्था में इसमें घोल बना करके फिर ये इससे दे सकते हैं। एक वेंचुरी सिस्टम होता है जो हमने ये जमीन के अंदर इसको लगा दिया है, ये ऑटोमेटिक है, जैसे वेंचुरी को दबाएंगे तो यहाँ से पानी खींचना शुरू कर देगा। तो जो अलग अलग अवस्था में, जैसे अंगूर का दाना छोटा है तो कौन सा खाद देना है, पकने के समय कौन सा देना है, हार्वेस्टिंग के पहले कौन सा देना है, तो उस प्रकार से मैनेज करके समय समय पे खाद देते हैं। खेती की आधुनिक तकनीक से 1 साल में अंगूर पक जाते हैं। पास ही में वाइन फैक्ट्री है जहां अंगूर की क्रशिंग, फर्मेंटेशन, पैकिंग और माइक्रो फिल्ट्रेशन से वाइन तैयार की जाती है, फिर बोतलों में पैक होकर वाइन पहुंचती है रिटेल आउटलेट पर, जो किसानों के समूह के ही है। वैसे वाइनरी का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं। साल 2000 में बारिश की कमी के कारण हरे अंगूर के खेत दम तोड़ने लगे। ऐसे में 5 से 15 एकड़ की जमीन वाले किसानों ने अपनाया नया तरीका। सन 2000 के आसपास बारिश जैसे ही कम हुई तो हमारा दिमाग गया कि भाई हम खाने वाले अंगूर से कुछ और करें तो बागवानी खेती ही करना थी, इसलिए हम वाइन अंगूर में गए। फिर 14 किसानों का एक पार्टनरशिप डील की और उसमें ये वाइनरी का हमने पूरा प्रोजेक्ट डाला, सरकार से मांग करी और सरकार ने भी हमें सतत मदद करी। तीतरी के किसानों की ये उड़ान आज काफी आगे जा चुकी है। नई पीढ़ी के जितेंद्र पाटीदार पूना समेत अमेरिका से वाइन निर्माण के गुर सीख कर लौटे हैं, लेकिन तकनीक की इस जोर अजमाइश में बुजुर्ग भी पीछे नहीं। ये फोन भी हमने इसलिए लिया है कि मौसम की जानकारी ले सके, अगर हमको पता चलता है कि 2 दिन बाद ये बारिश आने वाली है तो उसके पहले क्या क्या काम अपने को करना है वो सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये फोन जो है ये पूरी तरह से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है? ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो इसमें मौसम की जानकारी ले लेते। दादा आपकी उम्र क्या? मेरी उम्र 50 साल के लगभग है। अब आप बताइए 50 साल की उम्र में दादा ये जो है ईश्वर दादा जो है वो मौसम के लिए फोन खरीद रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी पहले बताते हैं, हम उसका भी इसमें समायोजन करते हैं कि भाई इधर की हवा चल रही है, उत्तर पश्चिम की हवा चलेगी तो कैसा मौसम रहेगा, मान लो ये इधर पूरब की चलेगी तो 3 दिन बाद बारिश आएगी, तो हम इससे फिर कंपैरिजन भी करते हैं कि वास्तव में इसमें सच्चाई है कि नहीं है। खेती में ऊंची तकनीक ने मोतीलाल पाटीदार जैसे अंगूर किसानों को दिलाए सर्वोत्तम किसान के अवार्ड। हमारे जो मोतीलाल जी पाटीदार जिनके हम खेत में खड़े हैं, ये इस गत वर्ष जो है हमने इनको सर्वोत्तम किसान का पुरस्कार दिया था। थोड़ी देर बाद हम इन गांवों से लौट चले, लेकिन करंदी और तीतरी के इन किसानों ने थोड़े वक्त में मुझे बहुत कुछ सिखाया, बताया कि सीखने का जुनून
एकजुटता, हौसलों की बुलंदी और नई तकनीक अपनाने की चाहत कैसे धरती के लाल को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। किसानों के ये शब्द मेरे कानों में गूंजते ही रहे। परिवार में और पूरे हमारे गांव में कोई लोग अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, पूरी वैज्ञानिक खेती करते हैं। खेती में तो क्या है, तकनीकी हर साल बदलती है। कोई भी चीज अगर आप एक बार सीख लिया तो उसको निरंतर आपको अपग्रेड रहना ही होता है। मैं 84 से खेती कर रहा हूँ और हर डे न्यू इन्वेंशन। हम वैज्ञानिकों पे भी विश्वास रखते हैं, लेकिन जहाँ फील्ड में जहाँ अच्छी खेती होती है जरूर वहाँ जाकर के हम देखते हैं। खेती में तो स्थिति ये होती है कि जो काम आज किया, मान लो आज कोई काम 1 रुपए में हो सकता है, उसको 4 दिन लेट करेंगे तो वो 4 रुपए में होगा। अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है, हाँ। सारा जहाँ बाकी है, तो ये सिर्फ टाइटल का टाइटल है। बाकी किसानों के लिए मैसेज तो आगे मिलेंगे।